पानी की कीमत पूछो जब हरा खेत भी झाड़ लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी की कीमत हमें नहीं दिखाई देती है, हम नहीं समझ पाते कि पानी की कीमत क्या है, लेकिन आप यदि किसी किसान से या आप कभी जाएं किसी रेतीले स्थान की तरफ तो आपको पता चलेगा कि पानी की कीमत क्या है। तो कुछ इस प्रकार लिखने की कोशिश की है, पूछो हवा की कीमत भी बिना हवा जीवन बेकार लगे, पूछो हवा की कीमत भी बिना हवा जीवन बेकार लगे। और सुनिएगा, गौर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। पूंजीवादी चाहत है गांव वहां बेकार लगे। लोगों की जो मानसिकता है वो बेस्ड ऑन कैपिटलाइज हो चुकी है। लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, हमारे पास पैसा हो, सब चीज़ें धन से हो। और गांव अब उन्हें बेकार लगने लग गए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि गांव के अंदर शिक्षा नहीं है, गांव के लोग शिक्षित नहीं हैं, गांव में विकास नहीं है। लेकिन यदि आप देखें तो जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वो गांव से ही चलते हैं, गांव के बच्चे ही आगे जाकर बड़े बड़े नेता, राजनेता, बड़े बड़े IAS, PCS, UPSC के टॉपर्स होते हैं, SSC के टॉपर्स होते हैं, IIT होते हैं, वही वो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं, और वो अपनी परिस्थितियों से लड़ते भी हैं। कैसे अपने आप को ढालना है, कैसे अपने आप को बनाना है, वो सब सीख जाते हैं, क्योंकि मेहनत उनकी रगों में दौड़ने लगती है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख लेते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पंक्ति जो मैंने लिखी है, बड़ी बड़ी मंजिलों की चाहत छोटा घर बकवास लगे, बड़ी बड़ी मंजिलों की चाहत छोटा घर बकवास लगे। फिल्टर बिन इंसान अधूरा रूखा सा संसार लगे। दो नंबर का पैसा चाहे मेहनत का बेकार लगे। लोग मेहनत करना नहीं चाहते, सब सोचते हैं कि मेरे पास पैसा आ जाए, कहीं से भी आए मेरे पास पैसा आ जाए, बस पैसे पैसे पैसे, एवरीथिंग इज मनी। तो नेक्स्ट पंक्ति जो मैंने लिखी है सुनिएगा, इंसानों ने ईमान बेच दिए पैसा सबका बाप लगे। यानी कि लोगों ने पैसों को इतना महत्व दे दिया है कि पैसे से ऊपर वो कुछ भी नहीं समझते। यदि उनके पास पैसा है तो वो समझते हैं कि हम धनी हैं, बेहद धनी हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पैसे से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ मैंने रिपीट की है, लोग अपना ईमान बेच देते हैं चंद पैसों के खातिर, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि उनके ईमान की कीमत अमूल्य होती है, कोई चाहकर भी आपके ईमान को नहीं खरीद सकता। लेकिन लोग आज के समय में अपना ईमान बेच देते हैं चंद पैसों के कारण। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये पोएट्री अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। मैं कोशिश करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ कि कैसे अपने वीडियोस में थोड़ा सा दिलचस्पी लाई जाए। तो कनेक्टेड रहिए, धन्यवाद।